कोरोना संक्रमण के हॉटस्पॉट महू तहसील में ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी है। तहसील के एक दर्जन से अधिक लोग ब्लैक फंगस के मरीज इंदौर में इलाज करा रहे हैं। देखिए रेड टीवी की ये खास रिपोर्ट। कोरोना संक्रमित महामारी के हॉटस्पॉट महू तहसील में जहां कोरोना वायरस मरीजों की अत्यधिक मौतें हो चुकी हैं, तो इसके विपरीत यहां पर भी ब्लैक फंगस जैसी घातक बीमारी ने दस्तक दे दी है और एक दर्जन से अधिक मरीज महू शहर व ग्रामीण अंचलों के निजी और शासकीय अस्पतालों में उपचारार्थ हैं। शहर में आंखों के प्रसिद्ध डॉक्टर हेमंत नेनवा ने बताया कि ये नई बीमारी एक फंगल डिजीज है। ये ज़्यादातर उन लोगों को होती है जिन्हें पहले से कोई बीमारी हो या वो ऐसी मेडिसिन ले रहे हों जो बॉडी की इम्यूनिटी को कम करती हो। इसके लिए प्रशासन ने तहसील स्तर पर 3 दर्जन से अधिक विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम तैयार की है। देखिए आपको बता दूं, भोपाल, इंदौर, उसके बाद अब फिर महू में ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी है। हाल ही में अभी अगर बात करें 3-4 दिन की, तो 3-4 दिनों में यहाँ पे 1 दर्जन से अधिक ब्लैक फंगस के मरीज मिले हैं। हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नेनवा जी जो शहर के बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, उनसे। सर, ये जो ब्लैक फंगस अभी कोरोना के बाद लोगों को हो रहा है, तो उसको बचाव के क्या कारण रहेगा सर? इसके बचाव के कारण है कि आपको सबसे पहला जो है शुगर को कंट्रोल करना पड़ेगा। अब जैसे कोरोना से ठीक होता है मरीज, घर आता है, तो उसको लगता है कि मैं पूरी तरह ठीक हो गया हूँ और वो लापरवाह हो जाता है। तो उसको जो शुगर है उसके ऊपर लगातार नज़र रखना पड़ेगी। 90% केसेस में पाया गया है कि शुगर के मरीजों को ही ये अटैक कर रही है। दूसरी चीज़ ये थी, कई लोगों को शुगर थी ही नहीं, किंतु कोरोना के बाद या इलाज के बाद कुछ दवाओं के कारण, या फिर उसको पहले से शुगर होगी, दवाओं के बाद वो उभर कर जब आती है, तो शुगर जो बढ़ी है उस पर उसने ध्यान नहीं दिया। उसको लापरवाह था कि मेरे को तो शुगर की बीमारी है ही नहीं, उसने शुगर चेक नहीं करवाई। और उसने जब वो ये आंखें दुखती है, लाल होती है, चलना बंद हो जाती है, तो वो सोचता है कि आंख आ रही है, घर पे 2-3 दिन इलाज करता है, 4-5 दिन, और फिर जब तकलीफ बढ़ती है तो आके डॉक्टर्स को दिखाता है। तब तक तो बहुत बढ़ती है। इसके साइड इफेक्ट की अगर मैं आपसे बात करूँ, तो इस फंगस जो हो रहा है, ये जो वायरस आया, तो इसके साइड इफेक्ट क्या रहेगी और आप दूसरे लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि इससे कैसे बचे? देखिए, इसके जो साइड इफेक्ट तो ये है कि ये शुरुआत तो होती नाक से, नाक के अंदर की चमड़ी में स्टार्ट होता है, वहाँ से पूरा ऊपर तक जाता है, आँख के पीछे तक पहुँचता है। कुछ केसेस में 20-30% केसेस में दिमाग तक पहुँचता है, आँख के पीछे से, आँख पूरी आँख और उसके आसपास के एरिया में होता है। तो इसमें अपने को जैसे ही शुरुआत में आँख दुखने लगे, जबड़ा दुखने लगे, या नाक से गंदा पानी, खून, काला पानी ये आने लगे, उसको तत्काल इलाज करवाना चाहिए, तत्काल डॉक्टर को दिखाना चाहिए। शुगर अगर बढ़ी हुई हो तो उसको कंट्रोल करना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसमें क्या कि इसमें दवाइयाँ बहुत ही लिमिटेड रहती है और वो इंजेक्शन के थ्रू ही दी जाती हैं, तो उसमें पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है। जो फंगस है उसका इलाज रहता है कि उसको निकाल दी जाती है, उसका ऑपरेशन ही होता है, दवाओं से निकलती है। तो देखिए आपको बता दूं कि हमारे साथ डॉक्टर नेनवा जी मौजूद थे, जो बता रहे थे कि ब्लैक फंगस जो है एक बुरी तरह से इफेक्ट करता है, शुगर के पेशेंट को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा। उसके साथ आपको बता दूं कि महू तहसील में 1 दर्जन से अधिक ब्लैक फंगस के मरीज अभी मिल चुके हैं। उसके साथ कालाबाजारी भी दवाई और इंजेक्शन की हो रही है, कई मरीजों को इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे। उसके बाद अब देखना यह है कि जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन इस ओर कितना ध्यान देता है। कैमरा पर्सन अंकित धनोलिया के साथ अंजित मोनू बाथम, रेड टीवी महू।